सो नमस्कार दोस्तों, अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कैनन के R5C के ऊपर जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। पहले तो बहुत सारे लोग मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि भैया इसको R5 से कंपेयर करो, तो R5 से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्तों उस कैमरा को, क्योंकि एक तरीके से ये R5 ही है और कैनन वाले आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं और R5 के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं जो आपको R5 में नहीं मिलेंगे। तो अगर उन फीचर्स की आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप R5 ही ले सकते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया कैमरा है। लेकिन अगर आपको उन फीचर्स की ज़रूरत है तो फिर भैया 40,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चो और R5C ले लो। अब वो फीचर क्या है उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस कैमरे का जो डायरेक्ट कंपैरिजन है वो R5 नहीं है बल्कि कैनन का ही एक सिनेमा लाइन का कैमरा है C70, जो इनका जो C300 है उसका छोटा भाई कह सकते हैं आप, उसी लेवल का कैमरा है। और R5C के आने से अब उसकी पोजीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैमरा लें कि वो कैमरा लें, और उसके एक नहीं कई सारे कारण हैं। अभी मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो कन्फ्यूजन है वो कहाँ आ रहा है। जो C70 है वो आपका $5,500 का है US में, वहीं पे जो R5C है वो आपका $4,500 का है। तो दोनों कैमरों के बीच में $1,000 का फ़र्क है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 75,000 रुपये बनता है। तो अगर आप 75,000 रुपये एक्स्ट्रा ख़रीदें तो आप एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा ले सकते हैं जो कि C70 है। वहीं जो कैनन का R5C है ये सिनेमा लाइन ज़रूर है लेकिन ये एक हाइब्रिड कैमरा है, क्योंकि ये स्टिल्स भी करता है। और सिनेमा कैमरे में एक यही फ़र्क होता है कि उसका स्टिल से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करता है, वो वीडियो शूटिंग, और वो बहुत अच्छे से करता है उस काम को। जैसे कि हमारे ब्लैक मैजिक के जो कैमरे हैं, साइज़ में भी अंतर, जो C70 है आपका वो काफ़ी बड़ा कैमरा है और उसका वेट ही अगर आप देख लो तो 1 किलो 170 ग्राम का वेट है उस कैमरे का। वहीं पे जो हमारा कैनन का R5C है ये मिररलेस कैमरा है। बाकी के मिररलेस कैमरा से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा बल्की लगेगा, लेकिन अगर एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही छोटा है और इसका वेट 770 ग्राम के आसपास है। तो अगर C70 से कंपेयर करें तो बहुत हल्का है। हालांकि फिल्मी दुनिया में आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितने भी लोग जो डेडिकेटेड फिल्म शूट करते हैं, प्रोफेशनल फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि उनका कैमरा भारी हो, क्योंकि जब आप एक भारी कैमरा हाथ में पकड़ के शूट करते हो ना तो आपके जो हाथ हिलता है वो आपका जो मोशन आता है वो एक डिफरेंट तरीके का मोशन आता है, वो मोशन बहुत सिनेमैटिक लगता है। बजाय कि आप एक हल्का छोटा कैमरा पकड़ो तो उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा, उसको माइक्रो जिटर बोलते हैं और वो बहुत गंदे लगते हैं, उनको निकालने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब आता है कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नंबर 1, जो सच्ची में किसी को कन्फ्यूज कर देगा कि उसको कैमरा कौन सा लेना चाहिए, और वो है कि जो आपका C70 है वो APS-C साइज कैमरा है, वहीं पर जो कैनन का R5C है ये फुल फ्रेम साइज़ कैमरा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि साला एक तो हम $5,500 ज़्यादा पे कर रहे हैं, ऊपर से बदले में हमको सिर्फ APS-C सेंसर मिल रहा है, वहीं पे हम R5C लें तो हमारे पैसे भी बच रहे हैं और सेंसर भी फुल फ्रेम मिल रहा है। बट दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूर से देखने में तो R5 का सेंसर ज़्यादा कैपेबल लग रहा है, R5C का सेंसर ज़्यादा कैपेबल लग रहा है। रुको, अभी ठहर जाओ। ये APS-C सेंसर ज़रूर है लेकिन ये एक DGO सेंसर है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्यूअल गेन आउटपुट सेंसर। इसकी खासियत ये है कि जब ये शूट करता है तो ये एक आपका डार्क फ्रेम उठाएगा और एक लाइट फ्रेम उठाएगा। एक फ्रेम में ये सिर्फ हाईलाइट को एक्सपोज करेगा और दूसरे फ्रेम में शेडोज को एक्सपोज करेगा और दोनों को जोड़ के आपको देगा वीडियो बना के, ठीक है। तो इसकी जो वीडियो क्वालिटी आएगी और जो आपके R5C की वीडियो क्वालिटी आएगी, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है। और यही रीज़न है कि अगर आप इनके ऑफिशियल साइट्स पर जाके देखें तो इस कैमरे का जो डायनेमिक रेंज है वो आपको लगभग 17 स्टॉप का डायनेमिक रेंज मिलता है C70 में। वहीं पे R5C जो है उसका जो डायनेमिक रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 14 स्टॉप पर आकर रुक जाता है। वैसे 14 स्टॉप कम नहीं होता, बहुत बढ़िया होता है 14 स्टॉप। अगर हम बाकी के जो अपने जैसे भी नॉर्मल जो हाइब्रिड कैमरा है उनसे कंपेयर करें तो 14 स्टॉप बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां फिल्मी दुनिया की बात आती है और जहां पे आप फिल्म कैमरा से कंपेयर करोगे, रेड से कंपेयर करोगे या एरी एलेक्सा से कंपेयर करोगे, तब आपको लगेगा कि ये बहुत कम है।
और इसी डायनेमिक रेंज की वजह से जब हम कोई फिल्म एक रेड से शूट करते हैं, रेड कोमोडो से या फिर एरी एलेक्सा से या एलेक्सा मिनी से, तो उसका लुक बहुत अलग आता है हमारे DSLR से। और हमेशा मरते रहते हैं कि यार हमारे DSLR का ऐसा लुक क्यों नहीं आता। हम लट चेंज के कर करके परेशान हो जाते हैं, हम कलर ग्रेडिंग करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लुक वैसा नहीं हो पाता। और उसकी वजह सिर्फ एक होती है, ज़बरदस्त डायनेमिक रेंज, जो कि आपको C70 में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका सेंसर डिफरेंट है। मतलब इतनी ज़्यादा बकवास करने का एंड में मतलब यही है कि भैया C70 से प्रॉपर फिल्म लुक आने वाला है, और R5C से आ जाएगा, आउट ऑफ द कैमरा लुक नहीं आएगा। आप ऐसे समझो, आप होता नहीं कि कैमरे से जो फुटेज निकल के आती है उसको देख के ही लगता है वाह यार मज़ा आ गया, फाड़ दी, वो लुक आपको C70 से मिलने वाला है। C70 में आपको 8K का वीडियो रेजोल्यूशन मिल रहा है, 8K अप टू 60p। भैया जल्दीबाजी में C70 निकल गया है मुँह से, लेकिन एक्चुअली जिस कैमरा की बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त यहाँ पे, वो है R5C। मतलब 60p पे शूट करने के लिए आपको कैमरा की बैटरी से काम नहीं चलेगा, आपको उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स में या तो प्लग में लगाओ या फिर उसमें कोई बड़ा सा पावर बैंक लगाओ, तभी 60p पे शूट कर पाएगा। वहीं पे जो हमारा C70 है, जो कि प्रॉपर फिल्म कैमरा है, वहाँ पे आपको सिर्फ 4K मिल रहा है, बट 4K 120p मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग बोलेंगे यार उस पे तो हमको डबल रेजोल्यूशन मिल रहा है। इमेजिन करो आप एक शादी कवर करने गए और आपके पास R5C है, ठीक है, अगर आप प्लान करते हो पूरी शादी 8K पे शूट करने का, तो आपका कैमरा भी आपको गाली देगा, प्लस आपका एडिटर भी आपको गाली देगा, और प्लस जिसने हायर करा है वो भी गाली देगा, क्योंकि एंड में आप देखो 8K तो आजकल हमारा कोई TV सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो पहले तो आप 8K पे शूट करोगे तो पूरी शादी जहाँ पे एक बंदा नॉर्मल आपका 4K पे शूट कर रहा है, हो सकता है वो 128GB में काम करके ले आए अपना, लेकिन वहीं पे आपको अगर 8K में पूरी शादी शूट करनी पड़ी तो आपको साला 300-400GB ऐसे ही लग जाएगा पूरी रात में। फिर उन 300-400GB को आपको ट्रांसफ़र करने में एक्स्ट्रा घंटे जो लगेंगे वो अलग है, और उसके बाद उनको स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर में 300-400 एक्स्ट्रा GB स्पेस होना चाहिए। और बात यहीं पे आके ख़त्म नहीं आती दोस्तों, 8K को एडिट करने के लिए जिस तरीके की पावर चाहिए अपने कंप्यूटर में, वो इतनी आसान नहीं है। कि कभी कभी तो सही है कि जहाँ पे आपको मालूम है कि भाई ये शॉट मैं लेना चाहता हूँ और इसमें मेरे को इतना क्रॉप करना है, या फिर मेरे को इसको स्टेबलाइज करना है, या मैं इसको डिजिटल जूम करूँगा, वहाँ पे तो समझ आता है कि आपका 8K काम कर देगा। इसके अलावा यार कोई प्रैक्टिकल यूज़ सच में अभी है नहीं, तो इसलिए वो C70 जो है वो 4K के हिसाब से ठीक है। प्लस उसका एक और फ़ायदा है कि क्योंकि वो 4K है तो उसमें जो डुअल कार्ड स्लॉट है उन दोनों में आपका SD कार्ड लगता है और उसी से काम चल जाता है। V90 कार्ड लगते हैं और उसी से काम चल जाता है। आपका R5C में एक 8K है और एक 4K है, तो इसलिए इसमें एक CF Express Type B कार्ड लगता है और दूसरा आपका SD कार्ड लगता है। अब 8K अगर आपको शूट करना है तो भैया आपको CF Express Type B कार्ड लगाना पड़ेगा, जो कि SD कार्ड से बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। मतलब वाट लग जाएगी, एक एक कार्ड 10-15 हज़ार रुपये का एक कार्ड आएगा आपका ढंग का, ठीक है, और दो कार्ड ले लिए तो 24-25 हज़ार रुपये कार्ड में ही चलेगा लेंस, तो भूल जाओ। तो एक वहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर मैनेज करने की बात करें और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 4K अभी भी बेटर है, और वो 4K 120 शूट करता है और बहुत ही बढ़िया, जैसा कि मैंने पीछे बोला कि फिल्मिक क्वालिटी में शूट करता है, वो ट्रू फिल्मिक क्वालिटी निकालता है, आपको वहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप साथ में रख के दोनों फुटेज को देखोगे अपने TV पे, एक 8K और एक 4K, आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा जब तक अनटिल अनलेस के आप एकदम पिक्सल पीपिंग करना शुरू कर दो, फुटेज को बहुत ज़्यादा जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठने लगो, देखने लगो, तब आपको फ़र्क पता लगेगा, नहीं तो आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। अगली चीज़ है स्टिल्स। आपका जो C70 है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, ये एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग कैमरा है, इसका स्टिल्स से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें स्टिल्स का कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वहीं जो R5C है, ये R5 का अपग्रेड कह लो इसको, तो इसमें प्रॉपर स्टिल्स कैपेबिलिटी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टिल कैपेबिलिटी है कि आप 45 मेगापिक्सल की स्टिल्स ले सकते हो, 20 FPS तक का फास्ट बर्स्ट अचीव कर सकते हो, तो स्टिल्स के मामले में ये ज़्यादा बेटर है। प्लस क्योंकि आपका जो C70 है वो सिनेमा कैमरा है, तो उसमें EVF भी नहीं है, आपको R5C में EVF भी मिल जाएगा। अगला है रॉ वीडियो। अभी तक C70 में रॉ वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं, बट अभी रिसेंटली R5C के साथ ही इन लोगों ने नया अपडेट इसमें पुश किया है, जिसकी मदद से C70 अब रॉ वीडियो भी शूट करेगा, जो कि 12-bit लाइट रॉ होगी। वहीं R5C आपको 12-bit रॉ का ऑप्शन देता है, प्लस 12-bit 8K में शूट कर सकता है,
और यही नहीं, वो HQ एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी और लाइट क्वालिटी तीनों में कर सकता है। C70 सिर्फ लाइट में कर सकता है, और ये इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ SD कार्ड लगे हैं। अगला ये है कि दोनों ही RF माउंट है, मतलब दोनों में ही RF वाले लेंस लग सकते हैं, और अडेप्टर के साथ आप EF लेंस भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे C70 को एक थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि इसमें कैनन का स्पीड बूस्टर आप लगा सकते हो, जो लगाने के बाद आपका ये कैमरा फुल फ्रेम वाला लुक देने लगेगा। ठीक है, आप वो अपना R5C में नहीं लगा सकते कि R5C ऑलरेडी फुल फ्रेम है, उसमें कोई ऐसा स्पीड बूस्टर नहीं लग सकता। तो इसमें स्पीड बूस्टर लगा के आप एक तो फिल्म फुल फ्रेम वाला लुक अचीव कर सकते हो, और सिर्फ लुक ही नहीं, जब हम अपने किसी भी लेंस में स्पीड बूस्टर लगाते हैं तो उसका जो एक्सपोजर है उसमें भी वन स्टॉप का बम्प मिलता है। तो अगर आपने कोई ऐसा लेंस लगाया है जो आपका F2.8 पे शूट करता है, तो स्पीड बूस्टर लगाने के बाद वो F1.8 बन जाता है। तो इस वजह से इस कैमरा को डबल फायदा मिलेगा अगर आप इस पे स्पीड बूस्टर यूज़ करते हो। अगला है लॉग प्रोफाइल। C70 प्रॉपर फिल्म मेकिंग कैमरा है, तो इसमें आपको कैनन का C-Log2 और C-Log3 दोनों ही मिलते हैं। कैनन की दुनिया में उल्टा चलता है, जो 2 होता है वो ज़्यादा एडवांस माना जाता है, 3 होता है वो कम एडवांस माना जाता है। एडवांस है मेरा मतलब है डायनेमिक रेंज, 2 में हमेशा आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलेगी, 3 में आपको थोड़ी कम डायनेमिक रेंज मिलेगी। वहीं जो आपका कैनन का R5C है उसमें आपको सिर्फ कैनन C-Log3 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, और यही रीज़न है कि जो आपका C70S के डायनेमिक रेंज 17 स्टॉप तक आ रही है। दोनों कैमरों में ही आपको रिले और साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि रिले रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक कार्ड भर जाए, कैमरा चल रहा है रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप वो अपने आप दूसरे कार्ड पे आ जाएगा, और आप चलते हुए कैमरे में ही वो जो भरा हुआ कार्ड है उसको निकाल के उसकी जगह पे खाली कार्ड लगा सकते हो, और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ये होता है रिले रिकॉर्डिंग। और साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप दोनों कार्ड में रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने एक कार्ड में डाल दिया कि भाई मेरे को एक कार्ड में तो 4K रॉ को रिकॉर्ड करे, और दूसरे कार्ड में वो 4K नॉर्मल अपना 4:2:10 रिकॉर्ड करे। तो ये होती है साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग, और ये दोनों कैमरों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा दोनों कैमरों में शटर एंगल का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक ट्रू फिल्म मेकिंग कैमरा की निशानी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैनन ने कन्फ्यूज़ कर दिया लोगों को कि भाई कैमरा कौन सा लें। दोनों कैमरे में ही आपको वेव फॉर्म, फॉल्स कलर जैसे जितने भी असिस्ट फीचर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों कैमरों में ही टाइम कोड का ऑप्शन दिया गया है कि आप टाइम कोड इन और आउट को कैप्चर कर सकते हैं या फिर आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो की। तो अगर हम ऑडियो चैनल्स की बात करें तो C70 में आप 4 चैनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं R5C में आप 2 चैनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4 चैनल का मतलब है आप 4 डिफरेंट ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में से, उसमें से एक ऑडियो ट्रैक को आप एज अ सेफ्टी ट्रैक बना के एक थोड़ा सा लेवल कम करके भी यूज़ कर सकते हैं। R5C में सिर्फ नॉर्मल बाकी के कैमरों की तरह दो ही चैनल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। और अगर हम प्रो ऑडियो फीचर्स की बात करें तो कैनन का जो C70S में आपको फिजिकल डायल्स मिलते हैं जो ऑडियो लेवल को एडजस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। R5C में आपको ये करने के लिए मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा, वहीं पर जाके आप लेवल एडजस्ट कर पाएंगे, ऑन द फ्लाई आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों कैमरों में जो है, और जो C70 को ट्रू फिल्म मेकिंग कैमरा बनाता है, वो है बिल्ट इन ND फिल्टर का सपोर्ट। आपको C70 में 2 स्टॉप, 6 स्टॉप, 8 स्टॉप एंड अप टू 10 स्टॉप तक के बिल्ट इन ND का सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही लाइफ सेवर होते हैं और फिल्म मेकिंग सिनेरियो में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अगला प्रो फीचर होता है XLR इनपुट फॉर कैप्चरिंग ऑडियो, मतलब बहुत सारे जो प्रोफेशनल क्वालिटी के माइक हैं वो आपके 3.5 mm में नहीं लगते हैं, उनके पास बड़ा वाला अडेप्टर आता है, फैंटम पावर वाला अडेप्टर, और वो सीधे XLR में लगता है। तो C70 में आपको 2 मिनी XLR जैक मिलते हैं, हालांकि मिनी मिलते हैं उनके लिए अडेप्टर लगाना पड़ता है, बट स्टिल उनमें ऑप्शन है कि आप लगा सकते हो, और वो फैंटम पावर भी देते हैं। सी क्यों निकल रहा है यार। R5C में आपका कोई मतलब XLR अडेप्टर नहीं मिलता, आपको डायरेक्टली सीधे माइक में लगाने को मिलेगा, वो भी 3.5 mm जैक में। वहीं पे अगर हम HDMI की बात करें तो C70 में आपको फुल साइज़ का HDMI पोर्ट मिलता है, और R5C में आपको मिनी HDMI पोर्ट मिलता है, जो कि बहुत बड़ा पेन इन दी है, समझ गए ना आप। दोनों ही कैमरों में आपको एक्टिव कूलिंग का ऑप्शन मिलता है, दोनों में फ़ैन लगे हुए हैं, विच मीन्स के मतलब इनको आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हो, और ये दोनों ही ओवरहीट नहीं होंगे। C70 में आपको टॉप हैंडल में मिलता है कैमरा के साथ,
जो हेल्प करता है आपको लोअर शॉट्स लेने में। वहीं पे आपको R5C अगर आप लेंगे तो उसमें कोई हैंडल वैंडल नहीं आता, आपको अलग से एक रिग खरीदनी पड़ेगी और फिर उसमें आपको एक हैंडल लगाना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों कैमरों में ही आपका IBS नहीं है, और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जितने भी सिनेमा कैमरे होते हैं उनमें IBS नहीं डाला जाता जानबूझ के, क्योंकि प्रेफर नहीं करते जितने भी सिनेमाटोग्राफर होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मोशन को कंट्रोल करना। तो इसमें कोई IBS नहीं है, हाँ लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है जो कि आपको 5 स्टॉप तक का स्टेबलाइजेशन सपोर्ट दे सकता है, और ये दोनों कैमरों में एक सा है। बैटरीज की बात करें तो C70 की जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी प्रोफेशनल लेवल की बैटरी है। मतलब इसकी बैटरी का मेरे को एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता, आपको स्क्रीन में दे दूंगा, बट ये बैटरी आपको आराम से 4 घंटे का बैकअप दे सकती है। और यही नहीं, इसकी बैटरी में कुछ D-Tap और USB आउट के ऑप्शन भी हैं जिनकी मदद से आप कैमरा के अलावा और भी बाकी के एक्सेसरीज को पावर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कैमरा के साथ मॉनिटर यूज़ करें तो मॉनिटर में कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्टली केबल आपको कैमरा की बैटरी में लगा सकते हैं आप, और इसी बैटरी से आपके मॉनिटर को भी पावर मिल जाएगी। तो ये इस बैटरी की खासियत है। इसी बैटरी का एक दूसरा मॉडल भी आता है जो इससे भी बड़ा होता है, और वो आपको लगभग 8 घंटे का शूट टाइम देता है। वहीं अगर हम R5C की बात करें तो इसमें वो अपनी LPE6 की जो नई वाली बैटरी है वो लगती है और लगभग 1 घंटे का टाइम देती है, जो कि ठीक है। अब लास्ट चीज़ ये होती है कि प्रोडक्शन फ्रेंडली, कौन सा कैमरा आपको प्रोडक्शन फ्रेंडली है। तो प्रोडक्शन फ्रेंडलीनेस देखें तो C70 ज़्यादा प्रोडक्शन फ्रेंडली कैमरा है, क्योंकि वो बड़ा है, उसका ऑर्गोनॉमिक्स ऐसे हैं, उसमें सारे फिल्म मेकिंग वाले बटन्स दिए हुए हैं। मतलब अगर आपको वाइट बैलेंस सेट करना है तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप ऊपर से बटन दबाएंगे आपका वाइट बैलेंस हट जाएगा। आपको वेव फॉर्म देखना है, ऊपर से अलग बटन दे रखा है, आप एक बटन दबाएंगे वेव फॉर्म में आएगा। जब आप वो यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक सिनेमा कैमरा और एक DSLR में कितना फ़र्क होता है। R5C हाइब्रिड कैमरा है, मतलब ये फोटोग्राफी के लिए भी बना है और ये फिल्म मेकिंग के लिए भी बना है। तो इसमें ये लोग ऐसे कंट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये वीडियो सेंट्रिक कंट्रोल दे देंगे तो बेचारा फोटोग्राफर मर जाएगा, उसको लगेगा यार ये क्या ही बना दिया इन लोगों ने। तो उनको थोड़ा सोचना पड़ता है दोनों के लिए। लेकिन फिल्म मेकिंग वाले कैमरे को सिर्फ एक ही बंदे का ध्यान रखना है, वो है जो उस कैमरे को चलाएगा। तो वो सारे फीचर ऐसे बनाते हैं कि आप ऊपर से ही, आपको कभी मेन्यू में जाना ही नहीं पड़े, आप ऊपर से ही सारे काम कर लो। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन फ्रेंडली आपका ये है। इसका मेमोरी कार्ड का डोर भी सामने की तरफ है, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपको नीचे से जाके डोर खोलने की जरूरत नहीं, आप सामने से खोलो, दोनों कार्ड लगाओ और सामने बंद कर दो, ठीक है। प्लस इसमें टॉप हैंडल आता है तो रेडी टू गो है, कोई केज वेज बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप एक ट्रू फिल्म मेकर हैं, ठीक है, मतलब आप सिर्फ फिल्म मेकिंग ही करते हैं, आपका स्टिल से कोई लेना देना नहीं है, और आपके पास बजट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप कितने भी फिल्म मेकिंग कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास बजट है और आप ट्रू फिल्म मेकर हैं तो फिर C70 आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि ये फिल्म मेकर्स का कैमरा है। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, फिर आप दोबारा कभी DSLR या कोई हाइब्रिड कैमरा नहीं यूज़ कर पाओगे फिल्म मेकिंग के लिए। वो कन्वीनियंस, वो इमेज क्वालिटी, वो डायनेमिक रेंज, उसकी जब आपको लत लग जाएगी तो फिर आपको बाकी के कैमरे बेकार लगने लगेंगे। हाँ, दैट बीइंग सेड, अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो, आप स्टिल्स भी शूट करते हो और वीडियोस भी बनाते हो, आप व्लॉगिंग करते हो, आपको छोटा कैमरा चाहिए, तब फिर R5C बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि ये टॉप का फोटो कैमरा है और टॉप का वीडियो कैमरा है। फिल्म कैमरे और इसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है लुक में, और वो हमेशा रहेगा। अगर कंपनी वो लुक का फ़र्क ख़त्म कर देंगे तो फिर उनके हायर कैमरा का लाइन कोई नहीं खरीदेगा, हर कोई छोटा कैमरा लेगा और प्रोडक्शन हाउस खोल लेगा। उनके ये तो जो है C70 है सबसे छोटा कैमरा है, इसके बाद आपका C300 Mark III आता है, फिर C500 आता है, वो 15-20 लाख के कैमरे हैं। तो अगर वो अपने सारे फीचर इन कैमरों में दे देंगे तो वो कैमरा तो धूल छाँकते रहेंगे, राइट। तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन आप कृपया करके इसको फिल्म कैमरे से कंपेयर ना करें। मेरे को पता है कुछ लोग आएंगे और कमेंट लगेंगे, अबे साला चू, इसके पास कैमरा नहीं है और अपनी बकबक बक कर रहा है। देखो, मैंने रिसर्च करी है ये टॉपिक पे, मतलब मैंने बहुत सारे फोरम पढ़े हैं, इन कैमरा के साइट पे गया, इनके स्पेक्स देखे, इनको आपस में कंपेयर करा है, फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल DP हैं, फिल्मों में शूट करते हैं, उनके रिव्यूज़ पढ़े हैं, उनके विचार सुने हैं, और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप किसी इस टाइप के व्यक्ति में से हैं जो उसी पे भरोसा करते हैं, इसके पास ये कैमरा है, तो आई एम सॉरी, मैंने आपका समय ख़राब किया, आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए थी। बट हाँ, अगर आपके लिए सिर्फ जानकारी महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ जानकारी जुटाना चाहते हैं और सही जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं इसी से अंदाज़ा लगा लूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं मेरी वीडियो पर आते हैं जो सिर्फ जानकारी के लिए आते हैं। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।